आज इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो ये जीएस पेपर टू का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड। तो इसमें टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंडिया और ग्रीस के जो हॉलिस्टिक रिलेशन है, जो पूरा हॉलिस्टिकली कवर किया है हमने। अगर आप इस एडिटोरियल को कवर कर लेते हैं तो कहीं से भी अगर ग्रीस से रिलेशन आता है या ग्रीस का टॉपिक आता है तो आपका वो टॉपिक इजीली कवर हो जाएगा और आपको इन फ्यूचर अदर पॉइंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडिया ग्रीस रिलेशनशिप के बारे में देखो, न्यूज़ में ये क्यों था, पहले ये न्यूज़ में था मगर एडिटोरियल रिसेंटली आया है। क्या न्यूज़ में था कि 4 decade के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था ग्रीस में, मतलब 40 साल बाद कोई इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है जो ग्रीस में विजिट कर रहा है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे कोई भी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर इतने सालों के बाद जाते हैं और वो जियो स्ट्रेटजिक और जियो पॉलिटिकल सॉफ्ट पावर के थ्रू अपने रिलेशनशिप को बढ़ाते हैं। देखो ग्रीस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मेन रीज़न क्या है, ग्रीस जो है यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, मेडिटेरियन सी से इसका बॉर्डर मिलता है, टर्की से इसका बॉर्डर कहीं ना कहीं मिलता है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो लिंकेज है मिडिल ईस्ट से होते हुए यूरोपियन तक, बहुत ईजीली हम वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर ये हमारे इन्वेस्टमेंट में भी बेनिफिट करेगा और अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये हमारे रिलेशनशिप अदर यूरोपियन यूनियन की कंट्री से बढ़ाएगा। देखो न्यूज़ में क्या है कि इंडिया और ग्रीस जो है वो बाइलेटरल टाइज को बढ़ा रहा है अपने, ठीक है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बढ़ा रहा है और फ्यूचर एक्सपेंड कर रहा है बाइलेटरल कोऑपरेशन इन पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक स्फीयर। मतलब इस पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्फीयर, बहुत प्यारा वर्ड है, आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं पैस करके, पैस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से इंगेज कर रहे हैं, हाई लेवल ऑफ इंगेजमेंट हो रहा है, फर्दर हम एक्सपेंड कर रहे हैं अपने बायलेटरल रिलेशन को। देखो ये प्रिलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और अदर पीसीएस के लिए। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को ऑनर दिया गया ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये ऑर्डर जो है सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ग्रीस का, ये हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। तो इससे क्या होता है, इससे पता चलती है कि इम्पोर्टेंस कि हमारी इंडिया की कितनी इम्पोर्टेंस है यूरोपियन यूनियन में और ग्रीस हमें कितनी इम्पोर्टेंस देता है। इंडिया ने वेलकम किया ग्रीस का इंडियन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए है, और ग्रीस को इन फ्यूचर इंडिया पार्टिसिपेशन देखना चाहता है कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर में। देखो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है, ये जो इमर्ज हुआ था UNFCCC की जो मीटिंग हुई थी 2015 में, उसके बाद ये इमर्जेंस हुआ। इसका मेन एम था हमारे अर्थ के टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना बढ़ने देना। देखो कैसे होता है ये, हाँ, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ 1750 के बाद, उसे बेस मानकर देखा जाता है कि उस टाइम पर कितना टेम्परेचर था और उस टाइम से अब कितना टेम्परेचर बढ़ गया। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो पेरिस में मीटिंग हुई थी, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा हमारे रिलेशन में। और ग्रीस की जो कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये गवर्नमेंट इस पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर का ये ड्रीम कॉन्सेप्ट है, उन्होंने इस पर भी बहुत ज़्यादा बल दिया, ठीक है। अब इंडिया और ग्रीस क्या है, अगले पॉइंट में बताया गया है इंडिया और ग्रीस क्या है, अपने कोऑपरेशन को बढ़ाने के लिए जो एंशियंट साइट है, एंशियंट साइट को प्रोटेक्ट कर रहा है और कोऑपरेट कर रहा है यूनेस्को के साथ। जैसे क्या है, देखो आपने सुना होगा गंधारा आर्ट के बारे में। गंधारा आर्ट क्या है, मिक्स है किसका, ब्लेंड है, एक ग्रीस का ब्लेंड है और इंडियन कल्चर का ब्लेंड है। तो आप गंधारा के स्ट्रक्चर देखेंगे बुद्धा के, तो आपको एहसास होगा कि ये कैसे मिंगल किया गया, क्योंकि बुद्धा के जो हेयर हैं वो कर्ली हेयर हैं और कर्ली हेयर क्या ग्रीस की आर्ट में दिखाए जाते हैं, इंडियन आर्ट में कर्ली हेयर नहीं दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंसेस हैं
कि इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है यूनेस्को में और एंशियंट साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए, ये सब आपके मेंस में टॉपिक काम आएंगे कि आप कैसे ग्रीस के रिलेशनशिप को दिखाओगे हिस्टोरिकली कि एंशियंट साइट को और हमारे जो जो हमारी बहुत सारी मोनूमेंट हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया और ग्रीस के द्वारा क्या किया जा रहा है। देखो अगर आपको हमारी वीडियो स्लो लगती है तो आप 1.5 की स्पीड से यूट्यूब पर या 2 की स्पीड से सुन सकते हैं, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इंडिया ने एक एग्रीमेंट फाइनलाइज किया है ग्रीस के साथ जिसका नाम है मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट टू फैसिलिटेट स्किल माइग्रेशन। मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि हमारा ह्यूमन कैपिटल बहुत स्ट्रांग है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हमारे यहाँ हाईएस्ट यंगेस्ट पॉपुलेशन है और इस यंगेस्ट पॉपुलेशन को हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि स्किल देकर इसे अच्छी कंट्री में माइग्रेट किया जाए और माइग्रेशन से जो रेमिटेंस आए वो हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में वर्क करे। तो यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। आगे देख लीजिए, ये देखो पिक्चर दिखाई गई है जब मुंबई से इंडिया जो है मुंबई से ग्रीस का पोर्ट है पिराउस, पिराउस में 60% चाइना के स्टेक है, ये एक कंसर्न है इंडिया का। तो पिराउस में क्या है, ये कनेक्ट करना चाह रहे हैं मल्टी मॉडल कॉरिडोर को, ठीक है। तो इंडिया का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब एक ग्रीस का कुछ आप बॉर्डर देख लीजिए, देखो ग्रीस का बॉर्डर इधर देखो टर्की से मिलता है, सी ऑफ मरमारा टर्की के अंदर है, ब्लैक सी है, बुल्गारिया है, नॉर्थ मेसिडोनिया है, अल्बानिया है, मेडिटेरियन रीजन है, एजियन सी है, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए जब भी आप कोई इंडिया और अदर कंट्री के रिलेशनशिप पढ़ते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रीस फॉर इंडिया, मतलब ग्रीस का क्या सिग्निफिकेंस है इंडिया के लिए। देखो सपोर्ट एट ग्लोबल एरिना, मतलब ग्रीस ने हमारा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है ग्लोबल वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें ग्रीस ने सपोर्ट किया है एनएसजी के मेंबरशिप के लिए। एनएसजी क्या है, नेशनल सप्लायर ग्रुप है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र की जाती हैं ताकि क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी को डेवलप किया जा सके। इसमें आप न्यूक्लियर बम से रिलेटेड नहीं है, एनएसजी क्या है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, ठीक है। और उसमें यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में भी हमारी ग्रीस की कंट्री के द्वारा परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह से ग्रीस यूरोपियन यूनियन वेस्टर्न कंट्री होते हुए भी हमारे इंडिया का यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए सपोर्ट कर रही है। जियोपॉलिटिक्स क्या है, देखो इंडिया का ग्रीस के साथ और आर्मेनिया के साथ संबंध होना अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्की पाकिस्तान और अजरबैजान मिलिट्री एक्सेस बना रहे हैं, तो इससे हमारी जियोपॉलिटिक्स को कंट्रोल करने के लिए और जियो स्ट्रेटजिक मतलब हमारे बॉर्डर के कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमारा ग्रीस के साथ, आर्मेनिया के साथ, यूएसए के साथ अच्छा संबंध होना जरूरी है। और चाइना जो है इस रीजन में प्रेजेंस बनाए हुए है तो चाइना को भी काउंटर करना बहुत ज़रूरी है। जियो स्ट्रेटजिक क्या है, जियो स्ट्रेटजिक का क्या मतलब है कि ग्रीस का बॉर्डर मेडिटेरियन सी से मिलता है, एशिया अफ्रीका यूरोप से मिलता है, तो ये हमारा मेडिटेरियन रीजन में जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेडिटेरियन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियाज़ के इंडो पैसिफिक पॉलिसी। आपको पता ही है कि इंडिया का बॉर्डर जो है पैसिफिक सी से और इंडियन सी से मिलता है, इस तरह से हम यहाँ से भी मेडिटेरियन सी में जा सकते हैं लैंड के थ्रू और यूएसए होते हुए भी मेडिटेरियन सी में जा सकते हैं। तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेरियन रीजन में जो ऑयल के रिसोर्स हैं, गैस के रिसोर्स हैं, क्योंकि हमारे इंडिया डेवलपिंग कंट्री है और हमारी जो आउटपुट है मींस टू से प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और एनर्जी की खपत भी बहुत बढ़ रही है, तो मेडिटेरियन रीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो मेडिटेरियन रीजन इज़ बिटल फॉर इंडिया स्पेसिफिक पॉलिसी, ठीक है। एक्सेस टू यूरोपियन मार्केट, देखो ऑब्वियस सी बात है जब हम ग्रीस से अच्छे संबंध रखेंगे तो यूरोपियन मार्केट एक्सेस करने का मौका मिलेगा, एक्सप्लोर करेंगे। मल्टी मॉडल लिंक बिटवीन मुंबई एंड द यूरोपियन मेनलैंड वी आर ग्रीक ट्रांसपोर्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्राउस, देखो यही चीज़ है। यहाँ पर जो मैंने फोटो आपको दिखाया कि इंडिया जो है मुंबई को मुंबई से कनेक्ट करना चाहती है प्राउस को, और इससे क्या होगा, हमें यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिलेगा और जिससे हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा और हमारे जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बढ़ेगी, ठीक है। अदर एस्पेक्ट आप देख लो ग्रीस से के रिलेशन में अदर एस्पेक्ट क्या है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम कोई आंसर स्टार्ट करते हैं
तो हिस्टोरिकल लिंकेज बहुत बताते हैं। देखो चंद्रगुप्ता के कोर्ट में चाणक्य थे, चाणक्य ने क्या बताया था अर्थशास्त्र में कि यवन के अम्बेसडर आए थे मेगस्थनीज। देखो मेगस्थनीज जो थे वो ग्रीस के रहने वाले थे, उन्हें ग्रीस से भेजा गया था, और मौर्यन किंग मौर्यन जो एम्पायर है उसमें ट्रेडिंग के भी इविडेंस मिले हैं, बहुत सारे क्वाइनेज और राइटिंग मिली हैं। गंधारा आर्ट के बारे में मैंने बताया, ये फ्यूज़न है इंडियन और ग्रीक इन्फ्लुएंस का। पॉलिटिकल क्या है, इंडिया ने ग्रीस ने क्या की, अपनी एम्बेसी दिल्ली में 1950 में की, और इंडिया ने एथेंस में 1978 में अपनी एम्बेसी बनाई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट हुए बहुत सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, टू इनकरेज किया, सपोर्ट किया कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि एनर्जी हब। अब इंडिया के लिए ग्रीस क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मेडिटेरियन रीजन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है एनर्जी का, बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिसोर्सेज हैं वास्ट ऑयल के और गैस के। इन ऑयल के और गैस के रिसोर्सेज हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ग्रीस के पास अबंडेंट सनशाइन है, विंड पावर बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, और अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी है इलेक्ट्रिक जनरेशन। मतलब ये अपॉर्चुनिटी क्या है कि हम यूज़ कर सकते हैं अपने स्किल्ड माइग्रेशन के लिए, वहाँ पर टेंडर ले सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे हमारे इंडिया में फॉरेन कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, आप देखिए ग्रीस क्या कर रहा है, अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है, $5 बिलियन से $8.4 बिलियन ले रहा है। तो इंडिया के लिए क्या होगा, डिफेंस के फील्ड में एक मार्केट मिलेगी। ठीक है, ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज होती है इंडिया के बीच में मेडिटेरियन रीजन में, और एयरफोर्स एक्सरसाइज भी होती है, इससे जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बनता है। ठीक है, अब कंसर्न क्या है, कंसर्न आप देख लो, देखो कोई भी जब क्वेश्चन पूछा जाता है UPSC के द्वारा तो पूछा जाता है क्रिटिकली एनालाइज कीजिए, क्रिटिकली सजेस्ट कीजिए, तो इस तरह के क्वेश्चन UPSC के द्वारा पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर कंसर्न भी पता होना चाहिए, लैक ऑफ बायलेटरल एंगेजमेंट। देखो जितनी ऊपर सारी बातें हो रही हैं वो ठीक है, मगर हाई लेवल पर जो एंगेजमेंट है, इंटरेक्शन है, 4 decades से बहुत कम है, इसको स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। चाइनीज एग्रेशन, देखो चाइनीज प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है, जो कॉस्को करके एक कंपनी है उसके 60% स्टेक है प्राउस पोर्ट में, तो इससे क्या है इंडिया की जो सॉवरेंटी है उसके उल्लंघन होने की चिंता बनी हुई है। इंडिया नहीं चाहता है कि चाइना की प्रेजेंस इतनी ज़्यादा यूरोपियन रीजन में बढ़े। लो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, बहुत कम ट्रेड होता है, बिजनेस टू बिजनेस कॉन्टैक्ट कम है, पब्लिक टू पब्लिक कॉन्टैक्ट कम है, जिसे पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बोलते हैं, तो इसको ट्रेड को बढ़ाए जाने की ज़रूरत है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जाने की ज़रूरत। वे फॉरवर्ड क्या है, इनहेंस एंगेजमेंट, हमें ग्रीस से एंगेजमेंट करना चाहिए, और जिसके थ्रू एंगेजमेंट के थ्रू क्या होगा कि यूरोपियन यूनियन से जो हमारा गैप बना हुआ है उसके बीच में ब्रिज बन जाएगा। ये ब्रिज क्या करेगा, हमारी इंडिया को कनेक्ट करेगा ग्रीस से, और ग्रीस को कनेक्ट करेगा यूरोप से, तो इससे हमारी मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, हमारी स्किल्ड माइग्रेशन जो है वो ईजिली हो सकेगा। तो इनहेंस एंगेजमेंट होना चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी एंगेजमेंट होना है। डेवलपमेंट एड, इंडिया को क्या करना चाहिए, ग्रीस को लाइन ऑफ क्रेडिट देना चाहिए, जो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसको टैकल कर सके, और चाइना का जो प्रेजेंस है ग्रीस में वो कम कर सके, जिससे क्या होगा हमारे इंडिया के रिसोर्सेज वहाँ ज़्यादा यूज़ हो सकेंगे। प्रमोट टूरिज्म, टूरिज्म को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि ग्रीस एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंडिया के बहुत सारे लोग यहाँ पर जाते हैं, तो यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाना देना चाहिए। मैरीटाइम कोऑपरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन बहुत कम है, हमें नवल एक्सरसाइज बढ़ाना चाहिए, मेडिटेरियन रीजन में अपनी प्रेजेंस को बढ़ाना चाहिए। तो ये हमने इंपॉर्टेंट एडिटोरियल डिस्कस किया, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर कमेंट बॉक्स